सर एक बड़ा जनसमूह नरसिंहपुर में भी देखने को मिला था। नेता आप काफ़ी से लंबे समय से कहीं ना कहीं नेतृत्व की युवाओं में रुझान आ रहे हैं कि नेतृत्व को देखिए क्या होता है कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि नेतृत्व की क्षमता वाले हर व्यक्ति को संसद में होना चाहिए। सड़क जो संसदें होती हैं वो सड़क से सजी होती हैं, और अगर सड़क जगी रहे तो संसद जगी सजी रहती है, और संसद सजी रहे तो सड़क जगी रहती है। तो नेतृत्व को हम सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ संवैधानिक या राजनीतिक पद से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि एक अगर मान लीजिए रिक्शा चलाने वाला है तो वो भी नेतृत्व कर रहा है, चार सवारियों को बिठाल कर वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। यदि कोई शिक्षक है तो वो भी नेतृत्व कर रहे हैं कि उनके ऊपर 25-50 बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको आप शिक्षा दे रहे हैं। तो नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व तो गुण होता है, और ये गुण को सिर्फ हमको थोड़ा सा दृष्टि में विस्तार करना पड़ेगा, और संसद से छोड़कर हमको उसको समाज और सड़क से जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये जो सवाल तुम्हारा है कि अभिनेता तो आप हैं और आप जो युवाओं में हमारे प्रति रुझान है, युवाओं में रुझान के साथ साथ युवाओं में कहीं ना कहीं ये परम पूज्य दद्दा जी की कृपा है कि हमारे प्रति उनके अंदर एक विश्वास है, या हमारे प्रति उनके अंदर ये है कि यार आशुतोष भैया जो हैं या आशुतोष जो हैं या आशुतोष राणा जो है उससे चर्चा करके हमें हमारी तात्कालिक समस्या का उहापोह का मानसिक द्वंद का एक समाधान मिल जाता है। और समाधान यदि आप व्यक्ति को दे देते हैं तो वो व्यक्ति फिर आपको विश्वास देता है, प्रेम देता है, आदर देता है, सराहना करता है। तो उसको मैं सिर्फ इसी दृष्टि से लेता हूँ, और जो जो ये कोई आज का काम तो नहीं है, ये निरंतर करते रहा हूँ, करते रहूँगा। तो हमारे पास जो है वो अपने जीवन के अनुभवों की संपदा है, हम अपने उन जीवन के अनुभवों की आप सारे अपने के लोगों के बीच युवाओं के लिए आज क्या टिप्स होगा? आज के लोगों हमें कविता भी सुनी है, बच्चे के लिए कविता लिखी है, बड़ी लाजवाब कविता। युवाओं के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे इससे सक्सेस का मंत्र है उसे? जिसे आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है, जिसे आप पाते हैं उसे चाहना खुशी, ये कहा जाता है। अक्सर होता ये है कि हमारी इच्छा और क्षमता इनके बीच में भेद होता है, और हमारा ये मानना है कि अगर आपकी किसी कार्य को करने की इच्छा है तो उसे करने की क्षमता पैदा कर लीजिए, या फिर जिस कार्य को करने की क्षमता है उसे करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। तो जब इच्छा और क्षमता के बीच का भेद मिट जाता है तो फिर हमारे जीवन में आनंद की सृष्टि होती है। गुरु का बहुत ऐसी शैली में नजर आए नहीं, हम तो ये हमारा मूल स्वरूप है, मूल भाव है, तो अंदाज हमारा देसी ही है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब, और ये हमारा गृह नगर भी है, तो ये हमारी जन्मभूमि है। तो बड़े आनंद का विषय होता है जब आप अपनी जड़ों के करीब खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो वृक्ष अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं वही अंधड़ों में खड़े रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, आनंद है। युवाओं में बड़ी बेरोजगारी फैली है, उस पर कोई एक कविता ऐसी कोई? देखिए कविता तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमें रोज़गार की दिशा में तो हमें चिंतन, हमें प्रयास, वो तमाम हमें करने ही होंगे। और हमारा ये मानना है कि जो जिस शिक्षा को हम सिर्फ रोज़गार को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो शिक्षा और साक्षरता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम सच्चे अर्थों में शिक्षित हों, शिक्षा मानने की जो हमारी बात होती है उससे अलग हमें थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करना होगा। तो निश्चित रूप से रोज़गार तो परम आवश्यक होता है किसी भी जीविकोपार्जन के लिए या हमारे जगत में रहने के लिए, क्योंकि अगर आपका हमारा सबके पास जो अर्थ जो होता है या काम जो होता है, काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, काम सिर्फ संपत्ति कमाने के लिए नहीं होता, काम संतुष्टि कमाने के लिए भी होता है, संतोष के लिए भी होता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए ताकि बेरोज़गारी के इस भीषण चुनौती का हम समय रहते सामना कर सकें।